हार्दिक अभिनंदन व्यूअर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीएफ यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में, जिसके क्वार्टर वन रिजल्ट्स आज यानी 12 अगस्त को हमें आते देखने को मिले। हम आज आपको बताएंगे क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में, आने वाले दिनों में कंपनी कैसी परफॉर्म करती नज़र आ सकती है और इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में अब क्या करें। चलिए जान लेते हैं कंपनी हमें क्वार्टर वन में कैसी परफॉर्म करती नज़र आई। हमें किसी भी कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही देखना चाहिए, ना कि स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को, क्योंकि उसी में टोटल सभी सब्सिडरीज का हमें पता चलता है। बात करें कंपनी की सेल्स की, तो हमें बहुत बढ़िया ग्रोथ सेल्स में आती देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की सेल्स 2,336 करोड़ से बढ़कर 4,140 करोड़ आती दिखी और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले सेल्स 3,742 करोड़ से बढ़कर 4,140 करोड़ आती दिखी। कंपनी की सेल्स में एक बढ़िया ग्रोथ दोनों तरफ से ही देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसका नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने 162 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले इस बार 233 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का प्रॉफिट 143 करोड़ से बढ़कर 233 करोड़ आता देखने को मिला है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हर क्वार्टर कंपनी एक बढ़िया स्टेबल प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर पा रही है, जिसके चलते स्टॉक प्राइस पर हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। इसका अर्निंग पर शेयर देखें तो वो भी 2.59 रुपीज़ से बढ़कर सीधा 4.24 रुपीज़ हो गया है। तो हम इसके रिजल्ट्स को बिल्कुल पॉजिटिव ही मानकर चल सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी नेगेटिव चीज़ इस कंपनी के रिजल्ट्स में देखने को नहीं मिली है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें तो हमें एक तेज़ी आने वाले दिनों में इस स्टॉक में आती देखने को मिल सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली फ्री कैश इक्विटी कॉल्स मिलती हैं, जो कि हमारी रिसर्च टीम द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।